हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और गाइस, अगर आप हैकिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने काली लिनक्स के बारे में तो जरूरी सुना होगा। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता देता हूँ। काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी मदद से आप हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। और इसको अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो तो इसके आपके पास दो तरीके होते हैं। एक होता है आप किसी एमुलेटर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वर्चुअल बॉक्स या फिर VMware, उसके अंदर आप इसकी इमेज को रन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर एक डुअल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम को सेटअप कर लें, जिसकी मदद से आप अपने दो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर के अंदर यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि विंडोज और काली लिनक्स। और आप जब अपने कंप्यूटर को बूट करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बूट करना चाहते हैं। अगर आप विंडोज़ के अंदर बूट करना चाहते हो तो आप विंडोज़ पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप काली लिनक्स के अंदर बूट करना चाहते हो तो आप काली लिनक्स पर क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस, आज वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर डुअल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम को सेटअप कर सकते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बूटेबल पेन ड्राइव। तो उसके लिए आपको चाहिए होगी काली लिनक्स की इमेज फाइल, जो कि ISO फॉर्मेट के अंदर होगी। इसका साइज़ होगा अराउंड 3.5 GB का। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर्टीज। और दूसरा आपको चाहिए होगा एक सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम बनाएंगे बूटेबल पेन ड्राइव, जिसका नाम है रूफस। तो आपको काली लिनक्स की इमेज फाइल डाउनलोड करने के लिए सिंपली सर्च करना है काली लिनक्स, और यहाँ पर आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी kalilinux.org। यहाँ पर आपको डाउनलोड्स वाले सेक्शन में जाना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये इनकी वेबसाइट यहाँ पर खुल चुकी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा काली लिनक्स 64-bit इंस्टॉलर, 3.5 GB के अराउंड की वाली फाइल है, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको पहले से यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है। दूसरा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम सर्च कर लेंगे रूफस डाउनलोड। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम बूटेबल बना सकते हैं, जैसे हम विंडोज़ को बनाते हैं, जैसे हम काली लिनक्स को बनाएंगे। तो यहाँ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर दिख जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी सी इसकी फाइल है, और इसको आपको इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ता है। तो गाइस, आपको एक सेपरेट पार्टीशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इस वाले डेल लेटिट्यूड वाले अपने पार्टीशन के अंदर अपने काली लिनक्स को इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो आपको एक और पार्टीशन बनाना पड़ेगा 4 GB का। तो उसके लिए आपको जाना है डिस्क मैनेजमेंट के अंदर, और अपने जिस भी पार्टीशन को आपको काली लिनक्स के लिए इंस्टॉल करना है उस पर आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एंटर करना है 4096 MB। इसका मतलब है 4 GB का हम यहाँ पर पार्टीशन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 4 GB का पार्टीशन बन चुका है। अब यहाँ पर आपको न्यू सिंपल वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, और इसको फॉर्मेट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा न्यू वॉल्यूम डिटेक्ट हो चुका है। फाइल मैनेजर में जाकर हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये देख सकते हैं आप 4 GB का यहाँ पर पार्टीशन बन चुका है। ये 4 GB का पार्टीशन बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम यूज़ करेंगे स्वैप वॉल्यूम के लिए। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको इंसर्ट करनी है अपनी पेन ड्राइव, जिसको आपको बूटेबल बनाना है। तो ये पेन ड्राइव मिनिमम 8 GB की होनी चाहिए, तो इसको मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब आपको ओपन करना है अपना रूफस को, और अपनी पेन ड्राइव को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ये पहले से सिलेक्टेड होगी। और यहाँ पर आपको इमेज के लिए सिलेक्ट पर क्लिक करना है, और अपनी इमेज फाइल को ब्राउज़ करना है। मैंने यहाँ पर इसको डेस्कटॉप पर रखा था, मैं डेस्कटॉप पर जाकर इसको ब्राउज़ कर लेता हूँ। यहाँ से इसको आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको इसको लोडिंग होने देना है, और यहाँ पर आपको बस स्टार्ट पर क्लिक करना है। कोई भी सेटिंग्स को आपको यहाँ पर चेंज नहीं करना है, सबको एज इट इज़ रहने देना है, और सिंपली यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना, और ये फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगी, बूटेबल पेन ड्राइव बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ये बूटेबल बनने में ऑलमोस्ट 10 मिनट लेगी, तो इसको आपको होने देना है। मैं यहाँ पर इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और पेन ड्राइव कंप्लीटली बूटेबल बन चुकी है, जिसको आपको क्लोज कर देना है रूफस को। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने पेन ड्राइव के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी फाइल्स कॉपी हो चुकी हैं, जिसकी मदद से हम इंस्टॉल करेंगे काली लिनक्स को। तो अब अपने कंप्यूटर को कर लेते हैं रीस्टार्ट। यहाँ पर हमने रीस्टार्ट कर लिया अपने कंप्यूटर को। गाइस, जब आपका कंप्यूटर बूट होगा तो आपको बूट ऑप्शन को ओपन कर लेना है, अपने कंप्यूटर की स्पेशल की दबाकर। यहाँ पर मेरे केस में F12 दबाना है, और अब अपने पेन ड्राइव को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ग्राफिकल इंस्टॉल को, और इसको लोड होने देना है। यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, या फिर एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर अपने आपको कंट्री को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी कीबोर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, और लोडिंग को होने देना है। उसके बाद आपको नो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यूज़र का नेम एंटर कर देना है,
यहाँ पर आपको पासवर्ड को एंटर कर देना है। तो ये हमने यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर दिया है। उसके बाद आपको डू नॉट कॉन्फ़िगर द नेटवर्क दिस टाइम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको होस्ट नेम प्रोवाइड करना है, आप यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट यहाँ पर खाली है, मैं यहाँ पर इसको प्रिंस नाम कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है मैनुअल के ऊपर, और यहाँ पर आपको उस वाले पार्टीशन को सिलेक्ट करना है 100 GB का जो हमने बनाया था, जिसके अंदर आपको काली लिनक्स को इंस्टॉल करना है, और बूटेबल फ्लैप को आपको ऑन कर देना है, और यूज़ एस को आपको कर देना है EXT4 जर्नलिंग फाइल सिस्टम को, और यहाँ पर माउंट पॉइंट को आपको रूट कर देना है, जो आपका मेन यहाँ पर पार्टीशन है उसके हम यहाँ पर सेटिंग्स कर रहे हैं। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, डन सेटिंग अप द पार्टीशन पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने 4 GB वाले पार्टीशन को सिलेक्ट करना है और इसको आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसको हम यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं। यहाँ पर आपको यूज एस पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको स्वैप एरिया सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और आपको कुछ भी सेटिंग नहीं छेड़नी है, और डन सेटिंग अप द पार्टीशन पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको फिनिश पार्टीशनिंग पर करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यस पर कर देना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर अपने काली लिनक्स के अंदर इंस्टॉल करने हैं, और यहाँ पर आपको GDM3 पर क्लिक करके कंटिन्यू पर कर देना है, और ये आपको काली लिनक्स यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपने हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा काली लिनक्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारा कंप्यूटर यहाँ पर रीसेट हो रहा है, तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी, तो यहाँ पर आपको ग्रब 2 फॉर विंडोज़ पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ग्रब बूट लोडर ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको काली लिनक्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम डेबियन लिनक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा काली लिनक्स बूट होना स्टार्ट हो चुका है, तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं काली लिनक्स हमारा बूट हो रहा है। यहाँ पर आपको अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, जो आपने सेटअप के टाइम पर यहाँ पर बनाया था, और आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा काली लिनक्स सक्सेसफुली बूट हो चुका है। अब ये लोडिंग हो रहा है, और यहाँ पर हमारी लोडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा काली लिनक्स सक्सेसफुली बूट हो चुका है। ये वाला मेथड एमुलेटर से इसलिए अच्छा माना जाता है, डुअल बूट का मेथड, क्योंकि एमुलेटर में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है, बहुत ज़्यादा लैग करता है, और आपके कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, पर अगर आप डुअल बूट करते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैं आपको रिबूट करके दिखा देता हूँ अपने विंडोज़ को कि हमारा विंडोज़ बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने रिबूट पर क्लिक कर दिया, और हमारा कंप्यूटर यहाँ पर रिबूट हो रहा है। अब यहाँ पर आपको विंडोज़ 10 को सिलेक्ट करना है। बूट के टाइम पर आपको पूछेगा कि आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाना है, तो आपको विंडोज़ 10 के ऊपर सेलेक्ट करके एंटर कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा विंडोज़ 10 यहाँ पर बूट होना स्टार्ट हो चुका है, जिसका मतलब है कि हमारे दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप ऐसी वीडियो फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइस, इस चैनल पर काली लिनक्स से रिलेटेड बहुत ही सारी हैकिंग की वीडियो आने वाली है फ्यूचर के अंदर, तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।